माही भजनी समाज सेवी। माही भजनी जी अनुनय एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी पहचान बस्तियों में रहने वाले गरीब बच्चों की माही दीदी के रूप में है। माही भजनी पिछले 10 वर्षों से गरीब तबके के उन बच्चों के लिए काम कर रही हैं जो भीख मांगने, पन्नी बीनने का काम करते हैं या कहीं बाल मजदूरी करते हैं। ऐसे बच्चों की शिक्षा और उनके संपूर्ण विकास को माही ने अपना उद्देश्य बनाया। आप 1000 से ज्यादा बच्चों को अब तक स्कूल से जोड़ चुकी हैं। माही सेतु नाम के एक सेंटर भी चलाती हैं। इन बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए प्रतिदिन अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से इनका रुझान शिक्षा की ओर किया जाता है। आपने कुछ साल पत्रकारिता करने के बाद नौकरी छोड़ समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। माही ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री हासिल की। दखल परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। क्या बात कही आपने, ये हमसे फेसबुक पे जुड़ी हुई हैं, पहली बार फेस टू फेस मिल रही हैं। मैं बहुत कुछ सोचकर आई थी, मतलब आशु जी सच कहूँ अभिनेता तो खैर वो तो बात ही, मतलब क्या ही कहूँ, शब्द नहीं है, लेकिन शिव का जो प्रसाद है ना वो ये है, और इनके जो गुरुजी हैं वो शायद यहाँ सभागार में जितने लोग बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता कि वो उनमें से कितने लोग ये अनुभव कर पा रहे हैं या उन्हें देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो दादाजी हैं वो तो हर वक्त उनके साथ हैं, उनकी छाया हैं, और ये जो कह रहे थे वो सत्य है, मतलब शिव का प्रसाद है, और सच में आपको भेजा गया है सृष्टि में कुछ अच्छा करने के लिए। बहुत कम लोग होते हैं, पता है, बहुत कम लोग ही ऐसे आते हैं जो कुछ अच्छा, तो हम सब लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, लेकिन वास्तविकता में यदि कुछ लोगों के जीवन को हम बदल दें और वो लोग फिर कुछ और लोगों के जीवन को बदल दें, है ना, कहते हैं ना कि जिए खुद के लिए तो क्या जिए, और जिए हजारों के लिए तो कोई बात है, तो आशु जी वही एक व्यक्तित्व हैं। और आपसे तो खैर मैं पहले तो मतलब मीडिया में तो सुना ही हुआ है लेकिन पहली बार देखा है, लेकिन आपकी क्यों बनती है मुझे आज ये समझ में आ गया, जहाँ गुरु का साया होता है वहां पे ही ऐसे व्यक्तित्व खड़े हो पाते हैं, वरना तो वो फिर कहते हैं ना कि नदी में से सब बह के कहीं निकल जाते हैं, और कुछ ही लोग होते हैं जो अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व सबके सामने खड़ा कर पाते हैं। धन्यवाद। मैं बहुत ही मेरे पास शब्द नहीं है आज, मतलब आपकी मैं सच में बहुत बड़ी फैन हूँ। निशब्द हूँ, जो शब्द आने चाहिए कायदे से वो तो बोल ही नहीं पा रही हूँ, अच्छे वाले शब्द, और बहुत खुशी हो रही है आप लोगों ने मुझे सम्मानित किया, मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। धन्यवाद। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।